ये सीक्रेट फाइल्स पोडोल्स्क में और मॉस्को में पूर्व सोवियत सीक्रेट पुलिस या केजीबी के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के श्री जयंता रॉय 1990 के आखिरी सालों में एक भारतीय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ मॉस्को गए थे। उनकी मुलाकात भी कोलेसनिकोव से हुई। अलेक्जेंडर कोलेसनिकोव ने हमें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। नेताजी मॉस्को में आजाद हिंद गवर्नमेंट की एम्बेसी में थे। वो फोटोग्राफ्स 1946 की थी, तो 18 अगस्त 1945 वाली ये कहानी सही नहीं हो सकती। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश रूल को चुनौती देते हुए 1943 में सिंगापुर में गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन एक्साइल की स्थापना की। इस गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन ने मान्यता दी थी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, तो क्या इसी बात ने नेताजी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी और 1945 में वॉर खत्म होने के बाद वो स्टालिन के रशिया में सेफ रह पाए? मुझे लगता है कि यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक सीक्रेट पैक्ट था। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्योंकि इंडिया में उस वक्त जो कुछ हो रहा था उससे ग्रेट ब्रिटेन खुश नहीं था और वो हालात को पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दे सकता था। सुभाष चंद्र बोस के गायब होने को उनकी मौत नहीं कहा जा सकता। मुझे भी लगता है कि वो डिसअपीयर हो गए थे। लेकिन 1953 में स्टालिन की मौत के बाद क्या नेताजी के लिए हालात बदले? मुझे लगता है कि स्टालिन की मौत के बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया था, इसलिए एशिया और इंडिया की तरफ सबका एटीट्यूड भी बदला। अगर इस वर्जन पर यकीन करें तो मुझे इस बात पर डाउट होता है कि सोवियत यूनियन को सुभाष चंद्र बोस की जरूरत थी। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत यूनियन के लिए सुभाष चंद्र बोस की इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं रही थी। उनकी अहमियत तो बस स्टालिन के दौर में ही थी। नेताजी मॉस्को में 1945 से 1953 तक यानी स्टालिन की डेथ तक थे और हम कह सकते हैं कि वो स्टालिन की कस्टडी में थे। नए सोवियत यूनियन में क्या सुभाष चंद्र बोस की अहमियत नहीं रही थी और क्या उन्हें मार दिया गया था या गुलाग भेज दिया गया था? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के को-फाउंडर अबानी मुखर्जी समेत 45 भारतीयों को स्टालिन के ऑर्डर पर